फिटनेस वाली बहू। चंद्रनगर गांव में सुगना अपने बेटे रमन के साथ रहा करती थी। कुछ ही दिनों में उसकी शादी राधा नाम की एक लड़की से हो जाती है। राधा फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा सजग होती है और वो घर के बाकी लोगों को भी दिन भर फिटनेस टिप्स देती रहती है। बहू, आज तो मुझे आलू पूरी खिला दो। नहीं माजी, उसमें बहुत ज्यादा फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है। आपको तो मैं आज प्रोटीन सलाद बनाकर खिलाऊंगी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक लगता है, मगर धीरे धीरे सुगना और रमन दोनों ही राधा की इस आदत से परेशान होने लगते हैं। राधा, मैं मानता हूँ हमें फिटनेस के प्रति सजग रहना चाहिए, मगर बाकी की चीजें भी खानी उतनी ही जरूरी है। रोज रोज प्रोटीन सलाद थोड़ी ना खाया जाता है। आपको तो खुद तला फला खाना है, माँ जी का तो आप बस बहाना बना रहे हो। देखो जी, जो आप खाते हो आप वही बन जाते हो। अरे मुझे ये सब ज्ञान मत दो राधा, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज खानी जरूरी होती है। तेल और घी भी खाना जरूरी होता है एक मात्रा में। खैर, तुम नहीं समझोगी। कुछ दिनों बाद तीज आने वाली होती है और सुगना अपने दोस्तों के लिए तीज पार्टी रखती है। अरे बहू, आज तीज है और मैंने कुछ सहेलियों को खाने पर बुलाया है, कुछ अच्छा सा उन सब के लिए पकाना। ठीक है माँ जी। शाम को सुगना की सब दोस्त आ जाती हैं। सुगना सबको अपनी बहू से मिलवाती है। अरे वाह सुगना, तुम्हारी बहू तो बहुत ही खूबसूरत है। सिर्फ खूबसूरत ही है या गुनी भी? अरे नहीं नहीं, मेरी बहू बहुत ही संस्कारी है, घर का सारा काम भी खुद करती है। थोड़ी देर सब गप्पे मारते रहते हैं, फिर राधा टेबल पर खाना लगा देती है। खाना लगा दिया है मैंने, आप सब खा सकते हैं। सब लोग टेबल पर आते हैं। अरे ये सब क्या है? आंटी, ये पालक का सूप है और वो स्प्राउट सलाद। वो सब तो ठीक है बहू, मगर खाना कहाँ है? आंटी, यही खाना है, इससे हेल्थ भी बनी रहेगी और आप सबकी उम्र में तो यही खाना ठीक रहता है। हमारी उम्र मतलब? अरे हम कोई बुढ़िया थोड़ी ना हो गई है। अरे ओ सुगना, अगर खिलाना ही नहीं था तो हमको बुलाया ही क्यों? सब मूड खराब हो गया तीज के दिन, चलो यहाँ से। और ये सब बोलते हुए सब औरतें चली गई। अरे ऐसा क्यों किया राधा, मैंने बोला था ना कि कुछ अच्छा बनाना, तुम्हारे फिटनेस टिप्स हर जगह अच्छे नहीं लगते। आज तुम्हारी वजह से सब मुझे इतना सुना कर गई। जाओ अब वो पालक सूप और सलाद खुद ही खाओ। उधर रमन भी राधा की इस आदत से बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो रोज उसके टिफिन में कोई ना कोई सलाद बनाकर देती और डाल देती। और एक शाम जब रमन ऑफिस से लौटता है तो अचानक गुस्से से आग बबूला हो जाता है। राधा, ओ राधा! आ रही हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाऊंगा ही ना, आज ऑफिस में मैं बेहोश हो गया था। अरे मगर क्यों? अरे तुम जो फिटनेस के नाम पर रोज ही सलाद और दाल देती हो ना, टिफिन में उससे मेरा पेट नहीं भरता और मुझे फिटनेस की वजह से चक्कर आ गए। मगर उसमें तो प्रोटीन होता है। हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है राधा, चाहे वो फिर प्रोटीन ही क्यों ना हो, उसके अलावा भी सबकी मात्रा खाने में जानी चाहिए। मैं तो बस आप सबकी सेहत के लिए ये सब करती हूँ। अरे इतना भी मत करो, हमें खुला छोड़ दो थोड़ा। थोड़े दिनों बाद एक दिन जब सुगना मंदिर से लौटकर आ रही होती है तो अचानक से गिर जाती है और उसकी सब उंगलियां और हाथ पैर जोर से अकड़ जाते हैं। कुछ लोग मिलकर उसे घर छोड़ जाते हैं। घबराई हुई राधा तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर साहब, माँ जी को क्या हो गया है? इनका पूरा चेकअप करना होगा। वैसे तो मुझे लग रहा है कि इनको गठिया हुआ है, इतना तो पता चल रहा है। गठिया? बाप रे! हाँ गठिया, इनके घुटनों और सभी जोड़ों में जो लचक, जो चलने फिरने के लिए ऑयल चाहिए ना, वो अब नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं तो इनकी सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ, रोज प्रोटीन सलाद खिलाती हूँ और सूप भी। मतलब ये बिल्कुल भी ऑयल या घी नहीं खाती? नहीं नहीं। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, खाने में एक मात्रा में घी या ऑयल का होना बहुत ही आवश्यक होता है, अगर वो पेट में नहीं जाएगा तो जोड़ों में जो ग्रीस होता है वो खत्म हो जाता है। ओह ऐसा क्या डॉक्टर, माँ जी ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ हाँ हो जाएगी। थोड़ी देर बाद रमन भी ऑफिस से आ जाता है। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही गिर गई थी। ये सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है, मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों। राधा रमन को सब कुछ बताती है। आई एम सॉरी रमन। अति हर चीज की बुरी होती है राधा, इसलिए मैं तुमको बार बार बोला करता था, तुम्हारी फिटनेस के प्रति जागरूकता अच्छी लगती है, लेकिन शरीर में हर तरह की प्रोटीन जाना भी जरूरी है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने हाई क्लास फ्रेंड की दिखावे और बहकावे में आ गई थी। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी और माँ जी का ख्याल डाइट चार्ट के मुताबिक ही रखूंगी। ये हुई ना बात, अब मेरे लिए आज अपने हाथों से देशी घी के गर्मा गर्म आलू के पराठे बना दो तो ही मैं माफ करूंगा तुम्हें।